patient in organism, and the topic is cellular respiration. You know, breathing and the respiration both are the different things. यानी जो सांस लेना है और श्वसन दोनों अलग अलग चीजें होती है. ठीक है, सांस लेना एक तरह का फिजिकल फिनोमेना है, इसमें क्यों कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब भी फूड का ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहां पर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं. क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है. सबसे बड़ी बात है कि इसमें एनर्जी रिलीज होती है. और ये जो फूड में क्या चीज है, जिससे जो भी ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द सेल विद रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो भी इसमें रेस्पिरेशन की फिनोमेना होती है वो कहाँ पर होती है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके सेल्स में होती है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इन द सेल फूड और ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू CO2 एंड H2O यूजिंग द ऑक्सीजन. यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये काम होता है कि ग्लूकोज जो होता है वो किस में ब्रेक डाउन होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर H2O का केमिकल बन रहा है एंड द एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, इतना समझ आ गया. नाउ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इन द एरोबिक रेस्पिरेशन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी, बट इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाइल एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेन द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दैट केसेस ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर एंड रिलीज एनर्जी. बट इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन द रेस्पिरेशन अकर्स इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है. इन दिस कंडीशन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू द एल्कोहल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड. इन द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी मोर नीड ऑफ द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, बट इट कैन नॉट बी फुलफिल्ड एंड देयरफॉर इन द ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स लैक्टिक एसिड इज फॉर्म एंड एनर्जी रिलीज. कहने का मतलब क्या होता है कि जब कोई हेवी वर्क होता है, कोई एक्सरसाइज किया जाता है, कोई भारी चीज खाया जाता है, साइकिलिंग की जाती है या एक्सरसाइज किया जाता है, उस कंडीशन में जो भी हमारे बॉडी को जो ऑक्सीजन की ज्यादा मतलब रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाता. और उस कंडीशन में जो हमारे मसल्स होते हैं उस मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की अब्सेंस में ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ में एनर्जी रिलीज होता है. तो उसके ऑप्शंस में ही ये कहाँ पर होगा, मसल.